अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो खिचड़ी की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत इजी तैयार हो जाती है। उसके लिए फर्स्टली मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ उसके। मैं यहाँ पे एक पाव चावलों का टोटा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि एक प्याली। आप चाहें तो चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावलों का टोटा ज़्यादा बेस्ट रहता है। हाफ प्याली इसके अंदर मैं चने की दाल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने खुले पानी में एक चुटकी नमक ऐड करके 35 मिनट के लिए उबाल लिया था। उसके अलावा एक पाव मैं इसमें माश की, मूंग की और मसूर की दाल यूज़ करूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज, 6 अदद हरी मिर्च, एक स्मॉल साइज़ का टमाटर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च एंड 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी इसमें। 1/2 मग ऑफ कुकिंग ऑयल और एक बड़ा जग इसमें मैं पानी यूज़ करूँगी। अगर हमें पानी की ज़रूरत और पड़ी तो हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं चावलों का टोटा ऐड करूँगी और साथ ही उसके अंदर मैं ये 3 मिक्स दालें ऐड कर दूँगी और इसे मैं भिगो दूँगी अच्छे से धो के। साफ़ मैंने ऑलरेडी इसे कर लिया था ताकि ये अच्छे से भीग जाए। अब मैं एक पतीली लूँगी, उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, हाई फ्लेम इसके नीचे हम रखेंगे ताकि हम इस पर मसाला भून सकें। 1/2 घंटे के लिए मैंने दालों को और चावलों को भिगो दिया था। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है, अब मैं इसके अंदर दूसरी इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी, टमाटर, हरी मिर्च और स्पाइसेस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और अब हम इसमें एक प्याली पानी ऐड करके मसाले को गलने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे कवर करके। मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं कौन से मसाले यूज़ करती हूँ। मैं सारे मसाले घर के ही यूज़ करती हूँ। अगर आप मसालों की रेशियो परफेक्ट रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रेसिपी सही बन जाती है। 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था, मसाला भून के तैयार है। अब मैं इसके अंदर चने की दाल सबसे पहले ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम इसके नीचे मीडियम ही है। दाल ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने इसे भूना था, फ्लेम अब मैंने इसके नीचे हाई कर दी है और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। ये पानी कम है, हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे 1/2 मग। मैंने पहले आपको बता दिया था पानी ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े की बनती है ये रेसिपी। नमक इसके अंदर हम इसका टेस्ट चेक कर लेंगे, अगर हमें नमक कम लगा तो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैं और नमक ऐड कर रही हूँ उसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम कवर करके रख देंगे। हाई फ्लेम पे कवर करके इसे मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। इसका पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून और साथ ही हम इसके अंदर चावल और दालें जो हमने भिगो के रखी थी वो ऐड कर देंगे। दालें वगैरह मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और हाई फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी। जब ये अगेन बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके नीचे फ्लेम लो कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था, ये देखें इसका पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दूंगी। लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है और इसका जो ढक्कन है वो हम थोड़ा सा खुला रखेंगे। 35 मिनट लगातार इसे मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ था, इसके नीचे फ्लेम टोटली लो थी। ये देखें पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। मज़ेदार खिचड़ी की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। मैं इसके साथ यहाँ पे अचार यूज़ कर रही हूँ, ये मिक्स अचार है। आप चाहें तो इसके साथ चटनी, रायता, जो आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।